भरूच से जम्बू सर की ओर जाते हुए ऐसे समनी ब्रिज को 10 दिनों पहले ही लोकार्पण करने के बाद महज 10 दिनों में ही गहरे गड्ढे निर्माण होते हुए भ्रष्टाचारी कामगिरी की पोल खुली है। समनी ब्रिज की शुरुआत होने के 10 दिनों में ही अब ये ब्रिज खस्ता बनते हुए एक बार फिर भ्रष्टाचारी कामगिरी की पोल बाहर आई है। भरूच से जम्बूसर की ओर जाते वैसे नेशनल हाईवे नंबर 64 पर समनी ओवर ब्रिज का 10 दिनों पहले ही मंत्री के हाथों लोकार्पण किया गया था, जो ये ब्रिज पर गहरे गड्ढे निर्माण होने के साथ हाईवे अथॉरिटी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुली है। मामूली बारिश में ही ब्रिज पर गहरे गड्ढे निर्माण होते हुए ब्रिज की बर्बादी नजर आ रही है, जिसके मद्देनजर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी द्वारा बारिश को कसूरवार निकालने के बीच अपना खोखला बचाव किया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत और खोखली कामगिरी की बदौलत ये ब्रिज की खस्ता हालत महज 10 दिनों में ही बनते हुए लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना है। शु नाम छे भाई आपनो? चौहान धर्मेंद्र छे, मई पछी। आ ब्रिज विषय तमारो शु कहेवू छे? आ ब्रिज नो ઉદ્ઘાટન છે, એક મહિનો ભી નથી થયો, એમાં આ હાલત થઈ ગઈ છે। આગળ શું થશે? અમને બહુ સાંકડો બનાવેલો છે બ્રિજ, તો અકસ્માત થવાની શક્યતા બી વધારે એમ એવું કહેવાય।